हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस ऑन कैमरा एज वेल एज सकरबाग जू ऑफ जूनागढ़। बिकॉज अभी हम जू के सामने पहुंच चुके हैं, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही है, फिर भी घूमना तो है। सो हम अभी टिकट लेने वाले हैं एंड टिकट चार्जेस काफ़ी नॉमिनल है। अबव 12 ईयर इट्स 20 रुपीज़ एंड बिलो 12 ईयर इट्स 10 रुपीज़ ओनली। एंड जू की टाइमिंग जो है वो 8 AM टू 5 PM है एंड वेंसडे को क्लोज होता है जू। और आप देख सकते हो कि घूमने का हमें कितना क्रेज़ है, बिकॉज़ पूरे टाइम बारिश होती रही और हम अम्ब्रेला लेके घूम रहे थे बस। एंड जब हम एंटर कर रहे थे तो दूर से हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्रेन्स के इतने स्टैचू क्यों हैं, बट जब पास जाकर देखा एंड उनके आइज़ ब्लिंक हो रहे थे, तब समझ में आया कि ये सारे के सारे रियल क्रेन्स हैं। ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे थे, बस बीच बीच में इनकी आइज़ ब्लिंक कर रही थी। एंड इनको देखने के बाद तो ज़ू घूमने का हमारा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, तो घूमना तो है ही हमने। अब हम लायन के पास पहुंच गए और गिन्नी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लायन को देखने के लिए। एंड गिन्नी वहां से हटने को तैयार नहीं थी, बिकॉज उसको बस लायन को देखना था। बट सच में जब वो पास चल के हमारी ओर आ रहा था जब लायन, तो फील हो रहा था कि क्यों उसको जंगल का राजा कहते हैं, जो एक ब्रेवनेस उसकी आइज़ में दिख रही थी। सीरियसली इट वॉज ऑसम फीलिंग। ये ज़ू इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट ज़ू है और फोर्थ बिगेस्ट। ये 210 एकड़ में बना हुआ है, जो कि 1863 में ही बना था। एंड ये रहा एमपी का फेमस वाइट टाइगर, जिसको कि फर्स्ट टाइम महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। एंड गिन्नी को सबसे ज़्यादा लायन ही पसंद आया, सो फिर से वो वहीं जाकर अटक गई और बस उसको ही देखे जा रही थी। लायन को भी पता चल गया था कि सब उसे ही देखने के लिए खड़े हैं, तो वो भी अपनी खुशी या गुस्सा जो भी कह लो, वो भी दहाड़ के निकाल रहा था। एंड अब हम ज़ू के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे बर्ड हाउस, स्नेक हाउस एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं। बट बारिश की वजह से सब छुपे हुए थे, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं हमें, लेकिन देखकर ये ज़रूर लगा कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, जो कि देखने लायक है। अगर बारिश ना होती तो शायद हम अच्छे से देख पाते।
और अब गिन्नी का मन कर रहा है यहाँ पे डांस करने का, बिकॉज़ उसको अम्ब्रेला हटा के बारिश में डांस करना और यहीं पे डांस करना है। तो वो कह रही है अब मैं नहीं जाऊँगी जब तक डांस नहीं करोगे मेरे साथ यहाँ पे। पूरा जू घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। गिन्नी भी थक गई फाइनली। अगर ऑल ओवर जू की बात करें तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही अच्छा है, मस्ट विजिट एंड वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही क्लीन है, तो आपको अच्छा लगेगा। फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छे स्पेस है यहाँ पे। कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप बीच में थक गए, पानी वानी खाना सब अवेलेबल है। तो बच्चों के लिए छोटा सा पार्क भी है, जो कि हम ये सब चीज़ें बारिश की वजह से नहीं अवेल कर पाए, बट स्टिल वहाँ पे है। तो आप अगर जाओ उस टाइम बारिश ना हो तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। एंड अब हमें भूख भी लगाई थी, सो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, वो भी कुंभकर्ण थाली, जो कि वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और ज़ू के सामने ही ये होटल है, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। एंड ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।